देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1,00,000 रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5,00,000 रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10,00,000 रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1,00,000 रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5,00,000 रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10,00,000 रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1,00,000 रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5,00,000 रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10,00,000 रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम। आज बहुत मुश्किल है मैं ये जानता हूं, कल इससे भी मुश्किल होगा मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। சிங்கல் பசங்க இப்ப மிங்கலாக வந்திருக்கோம், தாஜ்மஹால் கட்ட ரெடி செங்கல் போட்டுங்க, சிங்கல் பசங்க இப்ப மிங்கலாக வந்திருக்கோம், தமிழ்கடு சிங்கல் போட்டுங்க, சிங்கல் பசங்க। एक वीक बॉडी के साथ, एक कमजोर शरीर के साथ आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, तो उठो और मेहनत करो अपने आप पे, और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये लाइफ आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, क्योंकि जो आपको चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो यार, जितनी भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है ना, पबजी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, इन सबको भुला कर, इन सबको साइड रख कर, आपको पहला आपका जो काम है वो है आपके सपने। तो पहले उन पर फोकस करो, क्योंकि अगर आपके सपने, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, तो ना आपकी ये गेम काम आएगी, ना आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई काम नहीं आएगा। तो अभी वक्त है, सुधर जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। तो कोई दिक्कत है, बात करो। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल, सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा, और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू
अपना हुनर दिखाए। जिम दुनिया के उन स्थानों में आता है जहां रिश्वत नहीं चला करती, पसीना बहाना ही पड़ता है। दोस्तों ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दोस्तों की जिंदगी में इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, पर इतना उम्मीद जरूर करता हूँ कि अगर मैं मरूँ ना तो उनकी आंखों में आंसू हो और वो मुझसे ये कहें कि उठना यार, मजाक मत कर। हो सकता है हमने आपको कभी रुला दिया और आपने दुनिया के कहने पर मुझे भुला दिया। हमें तो वैसे भी आदत है इस दुनिया में अकेले रहने की। क्या हुआ अगर आपने मुझे एहसास दिला दिया? मुझको बात बात पर जज करने वाले, अरे मुझको बात बात पर जज करने वाले, मैं क्या हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। दुनिया तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती है। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं जमाना खराब है। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ हो गया। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे। बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया वो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है, और जितना तुम पानी से नहाए हो ना जनाब उतना पसीने से नहाना है। मुझे छोड़ना चाहते हो ना तो छोड़ दो ना, मुझे हजारों लड़के मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऐसा कभी नहीं मिलेगा। सौखा मेरे लिए ना तैनू छड़ना, तेरे बिना दिल नहीं लगना, सही जावे ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। यार चल अपन कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ ले जाओगे? कब्रिस्तान। छी, ये भी कोई घूमने की जगह? अबे पागल, लोग मरते हैं उस जगह जाने के लिए।